आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे के कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है क्या आप मुझे अपनाएंगे। ये कहानी उस सिपाही की है जो वियतनाम युद्ध के बाद आखिरकार अपने घर जा रहा था। उसने सेंट फ्रांसिस्को शहर से अपने माता पिता को फ़ोन किया। माँ, पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, पर मुझे आपसे एक आज्ञा चाहिए। मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी उससे मिलकर बहुत खुशी होगी, उन्होंने उत्तर दिया। पर आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, बेटे ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। युद्ध में वो बुरी तरह जख्मी हो गया है, एक हादसे में उसका एक पैर और हाथ कट चुका है। उसका कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। बेटा यह सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद हम उसके रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाशने में उसकी मदद कर सकते हैं। नहीं माँ, मैं उसे अपने साथ घर पर रखना चाहता हूँ। बेटा शायद तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसे किसी अपाहिज को अपने साथ घर पर रखना भारी बोझ है। हमारा भी तो अपना निजी जीवन है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा हमारे जीवन में इस तरह दखल दे। मेरा विचार है कि तुम दोस्त की चिंता छोड़कर अकेले ही घर आ जाओ, वो खुद अपने जीने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। इतने पर उस बेटे ने फोन काट दिया। इसके बाद उनकी अपने बेटे से कभी बात नहीं हुई। कुछ दिन बाद किसी तरह सेंट फ्रांसिस्को शहर की पुलिस ने उन्हें फोन करके सूचित किया कि उनका बेटा एक इमारत की छत से गिरकर मर गया है। पुलिस का मानना था कि उसने आत्महत्या की है। दुख के मारे माता पिता इतना सुनते ही हवाई जहाज पकड़कर सेंट फ्रांसिस्को पहुंचे और उन्हें अपने बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए वहां के मुर्दा घर ले जाया गया। उन्होंने उसे पहचान लिया, ये उनके ही बेटे की लाश थी। पर वहां उन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बात पता चली जिससे वे अनजान थे। उनके बेटे की लाश की केवल एक बाजू और एक टांग थी। हमें से बहुत से लोग उस सिपाही के माता पिता की ही तरह हैं। हम उन लोगों के साथ आसानी से मधुर रिश्ते बना लेते हैं जो दिखने में सुंदर और खुश मिजाज होते हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं जिनसे हमें असुविधा होती है। उन्हें हम पसंद नहीं करते जो लोग हमारी तरह सुंदर, स्वस्थ और चतुर नहीं हैं। उनसे हम दूरियां बरतते हैं। सौभाग्य से इस संसार में ऐसा कोई है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। सर्व सब का पालनहार ईश्वर, जो हमें अपार प्रेम के साथ स्वीकार करता है, और हम भले ही कितनी भी मलिन और कष्ट की स्थिति में हों, वो हमें सदा अपने अनंत परिवार में शामिल करता है। आज रात सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें वो साहस दो जिससे हम लोगों को जैसा वे हैं उसी रूप में स्वीकार करना सीखें, और उन लोगों के साथ आपसी समझबूझ बनाने में हमारी सहायता करें जो हमसे भिन्न और कम भाग्यशाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूंगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।